बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, राजधानी में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। जी हां, मानसरोवर के क्लब कर्मा में जमकर लगे ठुमके। ये बड़ी खबर, राजधानी में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। मानसरोवर के क्लब कर्मा में जमकर ठुमके लगे हैं। क्लब कर्मा में लेडीज नाइट में मास्क ढूंढते रह जाओगे। डीजे की धुन पर मदहोश यंगस्टर्स ने धज्जियां सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई है। जो यंगस्टर्स हैं वो आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरीके से वो एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार दुहाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन राजधानी जयपुर के हालात आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। रात 1 बजे तक चली पार्टी में, ना तो कोई टोकने वाला इनको दिखाई दिया, ना तो कोई रोकने वाला यहाँ पर था। क्लब मालिकों को सरकारी नियम कायदों की परवाह ही नहीं है, सुध नहीं है। जो कायदे तैयार किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए, इनके लिए, लेकिन उनको ही नियम कायदों की कोई जानकारी है नहीं। इन तस्वीरों के जरिए भी ये साफ होता है। अब सभी को इंतजार कब होगी क्लब पर कार्रवाई। अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे की लापरवाही किसकी है। ऐसी सीना जोरी तो कोरोना काल में कैसे रोकेंगे महामारी। अगर इस तरीके से सीना जोरी की जाएगी तो फिर कोरोना काल में हालातों पर काबू कैसे पाया जाएगा, कैसे महामारी को काबू में किया जाएगा, तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर क्लब कर्मा के मैनेजर, क्लब मैनेजर हैं हमारे साथ। अच्छा, क्लब मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए बताया जा रहा है कि क्लब मैनेजर साहब, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, क्या आप लोगों को जानकारी नहीं है क्या? ये क्लब कर्मा की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर डांस चल रहा है, पार्टी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये लापरवाही कैसे हो गई? नहीं मैम, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है। हेलो, आपको जानकारी है सर इस वीडियो के बारे में? आपने फुटेज देखा है? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी। हेलो, हाँ जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हेलो, चलिए लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लगातार संपर्क कर रहे हैं कोशिश करने की। ये तस्वीरें, ये फुटेज आप देखिए, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है। अब आप ये भी सोचना होगा कि राजधानी जयपुर में ऐसे हालात है अलग अलग हिस्सों में जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं पहुंचती है, या फिर दूर दराज के इलाके होते हैं, या फिर और भी कई इलाके हैं, तो वहां पर क्या स्थितियां होंगी। राजधानी जयपुर की ऐसी तस्वीर जो कई सवाल खड़े करती है, आखिर ये लापरवाही कैसे हो गई? सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर तमाम कदम, तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के हित के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन उसके विपरीत जाकर इस तरीके से जब धज्जियां उड़ाई जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सवाल उठने लाजमी है। लगातार कहा यह जा रहा है रात के 1 बजे तक पार्टी यहाँ पर, डांस यहाँ पर, बड़ी संख्या में यंगस्टर्स को आप देख रहे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी की बात लगातार कही जा रही है कि अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं, पहली बात तो ये कि आपको भीड़ इकट्ठा करना ही नहीं है, आपको बड़ी संख्या में एक साथ जमा होना ही नहीं है। अगर आप होते भी हैं, अगर कोई वजह है तो आपको अगर होना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको रखना होगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। कोरोना की भयंकर महामारी चल रही है, आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में लगातार किस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है, जो तमाम सवाल भी खड़े करता है, तमाम चिंता का विषय भी है। लेकिन उसी बीच ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है, ये पूछा जाना भी चाहिए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये फुटेज है, ना डर है इनको, ना तो इनको किसी का डर दिखाई दे रहा है। जो नियम कायदे हैं इनका लगता है कि उनके बारे में जानकारी लोगों को है नहीं। और ये क्लब कर्मा जो बताया जा रहा है, वहां पर ये कैसे लापरवाही हुई, ये भी बड़ा सवाल है। थानाधिकारी दिलीप सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी है, आपने देखी है ये फुटेज, यहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार, कैसी लापरवाही? दिलीप जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चले उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये फुटेज आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और इस पर अब कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है कि कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये भी तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। क्योंकि अगर इस तरीके की लापरवाही की जाएगी तो ये जान पर भारी सभी की हो सकती है, जान पर भारी सभी की पड़ सकती है। क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद कहाँ कहाँ वो गए हैं,
और आप सोचिए खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है, कोरोना की जद में पाया जाता है, तो फिर कितनी बड़ी मुसीबत या खड़ी हो सकती है ये भी सोचना होगा। और अगर कोई भी पॉजिटिव निकलता है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा, किसकी लापरवाही होगी, किसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, इसको लेकर भी कई सवाल है राजधानी वासियों के भीतर। क्योंकि लगातार सरकार की यही कोशिश है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जो कदम सरकारी स्तर पर उठाए जा रहे हैं वो आपके ही हित में है। पहले लॉकडाउन चला, उसके बाद अनलॉक 3 चल रहा है, अनलॉक के भी फेसेस अलग अलग चले, और ये अनलॉक जो हो रहा है वो भी आपके हित के लिए। हालांकि अनलॉक का नाम दिया गया है लेकिन पाबंदियां अभी भी हैं। अगर आपके इर्द गिर्द या फिर आपके इलाके में आपको लगता है कि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है तो आपको अपने स्तर पर ही सावधानी बरतनी है। लेकिन फिर भी जयपुर की ऐसी स्थितियाँ, ये जो तस्वीर है, ये जो फुटेज है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर अभी भी टला नहीं है जो संकट है कोरोना का, जो महामारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार सैकड़ों केसेस आ रहे हैं निकल कर सामने, और उस बीच अगर रात के 1 बजे तक पार्टी चलती है, इनको रोकने वाला कोई नहीं होता, इनको ये बताने वाला कोई नहीं होता है कि अगर इतनी भीड़ इकट्ठा करेंगे तो परेशानी इन पर ही आ सकती है, तो फिर आगे चिंता बढ़नी लाजमी है। बड़ी संख्या में एक साथ बिल्कुल भी ख्याल नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का, एक साथ मिलकर डांस यहाँ पर किया जा रहा है काफ़ी देर तक, ये झूमते हुए इनका फुटेज आप देखिए, और क्लब कर्मा में कहा जा रहा है कि ये लेडीज़ नाइट में डांस करते हुए दिखाई दिए। और इसी पर संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य, ये फुटेज इसके बारे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कहा ये जा रहा है क्लब कर्मा का ये फुटेज है, अभी तक कार्रवाई हुई है क्या, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इनको जानकारी नहीं है सरकारी नियम कायदों की? देखिए दीपा, ये पहली बार नहीं हुआ है। मानसोर थाना इलाके के अंदर ऐसी अवैधानिक गतिविधियां लगातार होती रहती है। हालांकि कई बार स्थानीय जो लोग हैं पुलिस से शिकायत करते हैं लेकिन पुलिस इन शिकायतों पर हाथ पे हाथ रखे बैठी है। पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। ये जो होटल कर्मा का जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आए हैं, जो फुटेज हमारे पास है, इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी, हालांकि ये फुटेज, ये जो वीडियो है पुलिस के पास भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही, घोर लापरवाही खाकी की ओर से की जा रही है। क्योंकि अगर लगातार ऐसे गतिविधियां बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा ही बढ़ता है, और देर रात तक ये पार्टियां चलती है तो स्थानीय लोगों में काफी रोष है इस बात को लेकर। आखिरकार लगातार शिकायत देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ऐसे में अब जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने संघर्ष समिति बना रही है, जिससे की मंडे को जाकर पुलिस मुख्यालय में इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। दीपा सत्य, तो फिर ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई की बात कहना ही गलत है, जब पुलिस प्रशासन ही मूक दर्शक बने हुए हैं, उनको सारे घटनाक्रम के बारे में जानकारी है, उनको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन ही सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं इसका मतलब? बिल्कुल दीपा, जिस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात साफ करते हैं कि सख्ती से पालन किया जाए सोशल डिस्टेंस की जो गाइडलाइन है उसको सख्ती पालन किया जाए, लेकिन जब ही इस मानसोर थाना इलाके में इस प्रकार की गतिविधियों को साफ दिखते हैं कि सोशल डिस्टेंस की जो गाइडलाइन है उसकी गतियां उड़ाई जा रही है और पुलिस को इस बात का पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही मानसोर थाना पुलिस के जो कार्यप्रणाली उस पर सवाल निशान लगा रहे हैं ये पूरे सिस्टम। तो ऐसे में जो लोग हैं स्थानीय लोग, उन्होंने मांग करी है कि इसकी जाँच कराई जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिसके शहर से पूरा खेल चल रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दीपा, और सत्य, जाहिर सी बात है कि अगर एक क्लब में इस तरीके की वीडियोस वहां से निकल कर सामने आते हैं तो ऐसे ही कई और भी क्लब होंगे जहां पर भी इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सोचा नहीं जा रहा होगा और जानकारी अधिकारियों को होगी, कार्रवाई नहीं हो रही होगी, ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इस फुटेज के आधार पर आप कह रहे हैं, आपकी बात भी हुई है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो फिर और भी ऐसे क्लब होंगे जहाँ पर इस तरीके से डांस हो रहा होगा? बिल्कुल दीपा, हमने पहले आप दर्शकों को बताया कि ये मानसरोवर के अंदर पहला क्लब नहीं है बल्कि मानसरोवर थाना इलाके में कई क्लब ऐसे चल रहे हैं जिन पर रोजाना रात को 1 बजे तक पार्टियां चलती है, जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता, न कोई मास्क का ध्यान रखा जाता है, और जो गाइडलाइन तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। और इसी पर नवीन शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवीन, कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है अभी तक? हालांकि सत्य तो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को जानकारी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये जो क्लब है राजधानी का क्लब कर्मा मानसरोवर के अंदर, ये पिछले कई दिनों से इसी तरह की पार्टियां करवाता है। आज इसके जब फर्स्ट इंडिया के पास विजुअल आए हैं तो क्लब का जो संचालक है वो मीडिया से बात करने में कतरा रहा है। आपको बता दूं, ये पूरे जो सोशल जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। रात को 4-4 बजे तक इस क्लब के अंदर पार्टियां की जाती है,
लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है, हो सकता है प्रशासन की भी इस पूरे प्रकरण में जो मिली भगत हो, क्योंकि अगर एक थाना होता है, थाना जो थाने को सब पता होता है कि उस इलाके में क्या हो रहा है, क्या अवैध गतिविधियां हो रही है, क्या नहीं हो रही है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब राजधानी के कई क्लब ऐसे हैं जिनमें देर रात तक पार्टियां की जाती है। वहीं अगर कोरोना की गाइडलाइन की बात करें तो एक क्लब के अंदर तकरीबन 50 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उसके अंदर स्टाफ भी शामिल होता है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो डांस पार्टी बिल्कुल अलाउ नहीं है राजस्थान में। नवीन, तो फिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? क्या कह रहे हैं अधिकारी? आपने खुद बात करने की कोशिश की थाना अधिकारी से और पुलिसकर्मियों से, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, यही एक सवाल है कि आखिर इस क्लब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लंबे पिछले तकरीबन 20 से 25 दिनों से हमें लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि क्लब की जो क्लब कर्मा है, इसके अंदर लगातार इस तरह की पार्टियां होती है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाती है, और तकरीबन 100 से 150 की जो क्राउड है वो इस क्लब के अंदर रहता है। देर रात 3 से 4 बजे तक इस क्लब के अंदर पार्टियां की जाती है, लेकिन इसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कि हम ये कहें कि इसके अंदर जो प्रशासन की भी मिली भगत सामने आ सकती है। अब इस पूरे प्रकरण के अंदर जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें एक्शन लेना होगा, और जो सोशल डिस्टेंस के साथ ही जो लोगों की जान से जो खिलवाड़ जो ये क्लब कर्मा कर रहा है, उनके ऊपर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। दीपा, बिल्कुल। नवीन, ये फुटेज है कब का, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है कि कौन सी तारीख का ये वीडियो है, और ये आखिरी वीडियो है डांस पार्टी का या उसके बाद भी लगातार वहां पर पार्टियां चल रही हैं, कोई जानकारी अंदर से? देखिए, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये वीडियो है, ये कल का है। कल इस क्लब के अंदर लेडीज नाइट थी, और इसके अंदर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से राजधानी में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंस की जो क्लब का जो संचालक है, मैनेजर है, वो मोटी फीस लेकर इन्हें एंट्री करवाते हैं, और उसके बाद जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसका यहाँ पर कोई जी दीपा और नवीन, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्लब हो सकते हैं जहां पर ऐसी लापरवाहियां बरती जा रही हो। बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तमाम कदम सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन अगर ऐसे लापरवाही बरती जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा?